और अब बात नमो नमो शंकरा की। भगवान शिव के प्रसिद्ध शिवलिंगों में राजधानी भोपाल के करीब स्थित भोजपुर शिवलिंग को लेकर लोगों में अटूट आस्था है। इस शिवलिंग को एक पत्थर से बनाया गया है। कोई इसे पांडव कालीन मानता है तो कोई इसे परमार कालीन। यहाँ पर दर्शन के लिए पूरे प्रदेश या पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नमामिषा मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आज हम भगवान शिव के शिवालयों में आज मशहूर प्रसिद्ध एक और शिवालय है जहाँ के दर्शन करा रहे हैं, और ये है भोजपुर के भगवान शिव का। इस शिवालय के बारे में ये कहा जाता है, इस शिवलिंग के संदर्भ में ये कहा जाता है कि प्राचीनतम एक पत्थरों से बने सबसे बड़े शिवलिंगों में शुमार है भोजपुर का ये शिवलिंग। आइए जानते क्या है इसका महत्व और क्यों श्रद्धालुओं का लगा रहता है यहाँ पर तांता। भगवान शिव का ये शिवालय प्रकृति की गोद में है। अगर हम देखेंगे तो चारों तरफ, एक तरफ बेतवा जो है यहाँ से बहती है भगवान शिव के इस शिवालय के किनारे से, तो दूसरी तरफ चारों तरफ पहाड़ और हरियाली नजर आती है। और वैसे भी कहते हैं भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है, और इस प्रकृति प्रेम का भगवान शिव का ये नज़ारा भोजपुर के इस शिवालय में नज़र आता है। दरअसल अगर भगवान शिव के इस शिवलिंग की बात करें तो लगभग इस शिवलिंग को 3.85 मीटर ऊंचा माना जाता है, और दो किंवदंतियां हैं इसको लेके। एक ये माना जाता है कि ये परमार कालीन है, और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि ये पांडव कालीन है। लेकिन इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि परमार जो राजा थे उन्होंने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन पांडव कालीन इसका निर्माण है। पुजारी जी, इस मंदिर को लेके क्या मान्यता है? पांडव कालीन भी माना जाता है, और जैसे कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं वैसे रोज की बात करें या शिवरात्रि पर? हजारों हजार के लगभग जाते हैं। हजारों के लगभग जी, पूरे प्रदेश से, देश से, बाहर से? बाहर से भी आते, प्रदेश से भी आते हैं। चलिए, जो पुजारी हैं यहाँ के विशिष्ट, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक ये कि इस शिवलिंग के संदर्भ में मैं दाईं तरफ दिखाता हूँ, यहाँ से माना जाता था कि पांडवकालीन इसको इसलिए माना जाता है कि जो उस समय के तात्कालिक लोगों की ऊंचाइयाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, और लगभग 4 मीटर के तकरीबन होती थी जो ये ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म्स बने इसके बराबर। और कहा जाता है कि माँ द्रौपदी यहाँ से पूजा किया करती थी। हालांकि इसके और भी पौराणिक महत्व हैं, वही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के पुजारियों से और स्थानीय लोगों से। भगवान शिव के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस होता है सबसे पहले यहाँ का? सुकून, शांति, अच्छा लगता है बहुत। तो ये आप पहली बार आ रहे हैं, इसके पहले भी आए? बहुत बार आए, क्योंकि रहने वाले ही भोपाल के हैं जी। जब दिल करता है तब चले आते हैं, लगता है आज सुकून और शांति कुछ ज्यादा ही चाहिए तो यहीं चले आते हैं। सुकून और शांति चाहिए, इसके अलावा भी लोग तो, मतलब ये तो हो गया बात, मटेरियलिस्टिक चीजें भी मांगते हैं, भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, ऐसा कुछ मांगते हैं वो भी मिल जाता है? नहीं, हम मांगते ही नहीं, उनसे मिलने आते हैं। मिलने आते हैं, कभी मांगा नहीं है। अच्छा, और कौन कौन से शिव मंदिरों में आप जाते हैं? जो सामने मिल जाए जी। आप कहाँ से आए थे? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए, तो पहली बार आए हैं या सुना था? पहली पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी ग्वालियर से? मैं भी ग्वालियर से। तो इस शिव मंदिर के बारे में कैसे पता चला, यहाँ के लोगों ने बताया या सुना था आपने? मैं पहले भी आया था, और जब कालीचरण महाराज ने शिव तांडव गाया था इधर, तो उसके बाद एक ऊर्जा का स्रोत बन चुके हमारे महादेव। ओके। अच्छा, क्या खास लगा, सबसे बड़ी विशेषता क्या लगी इस मंदिर की? एक आकर्षित शिवलिंग है, आकर्षित। तो इस शिवलिंग को अगर आप जब भी देखेंगे देखते रहेंगे। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं यानी कि शिव नवरात्रि, तब यहाँ पर
लगभग 1 टन पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव का। दूसरी बड़ी बात यह है कि अलग अलग जो मान्यताएं हैं इसमें अलग अलग युगों की बात होती है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पांडव काल से लेकर परमार काल तक, जीर्णोद्धार से लेकर निर्माण तक के इस शिवलिंग के और शिव मंदिर के कलश की स्थापना पूर्ण रूप से कभी नहीं हो पाई। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सिर्फ भोपाल से लोग नहीं आते, मध्य प्रदेश से लोग नहीं आते, बल्कि अन्य प्रदेशों से और विदेशों से भी लोग आते हैं। हमारे साथ में गुजरात के श्रद्धालु हैं, उड़ीसा के श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, अहमदाबाद से हैं, तो आप दर्शन करने के लिए कैसे इच्छा हुई, यहाँ के बारे में कैसे पता? सर, ये नेट पर हमने देखा कि भोजपुर में राजा भोज द्वारा निर्मित एक भगवान शिव का मंदिर है, तो हम अहमदाबाद से भोपाल आए और भोपाल से यहाँ बाय रोड यहाँ तक हम लोग आए हैं। पूरा परिवार मेरा यहाँ पर है और ये अद्भुत मंदिर है, प्राचीन। यहाँ पर एक हमने जो खासियत देखी मंदिर की वो ये है कि यहाँ पर एक भी प्रकार का जॉइंट नहीं है किसी पत्थर में। ये बहुत सुंदर लगा हमें। एक एक पत्थर का वजन लगभग एक एक दो दो क्विंटल होगा, लेकिन कहीं भी जॉइंट नहीं लगा हुआ है, सब एक पत्थर एक दूसरे से मिले हुए हैं। बहुत अद्भुत मंदिर है, मन को बड़ी शांति मिली दर्शन यहाँ आकर के। और मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है, मेरी छोटी पोती है 2 बरस की, वो भी यहाँ पर आई हुई, सब लोग यहाँ पर आके दर्शन कर हम लोग धन्य हो गए हैं। जी, आप कहाँ से आए? हम ओडिशा से आए हैं। अच्छा, ओडिशा से आए हैं, और भगवान शिव के संदर्भ में कैसे पता चला इस शिव मंदिर के बारे में? इस शिव मंदिर के बारे में सुने थे, हमारे यहाँ पे सिस्टर रहती थी जी। तो उसके बारे में सुने थे तो दर्शन करने चले आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ कर? बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतना पुराना मंदिर है, देख के बहुत खुश लग रहा है। हम हमेशा कहते भी हैं नमामि शमशान निर्वाण रूपम, वो जो निर्वाण की आवृत्ति है, वो शांति है, वो सुकून है, वो यहाँ महसूस होता है। आप कहीं से भी आइए, यहाँ से आइए, भोपाल से आइए, प्रदेश से आइए, देश के किसी भी कोने से आइए या विदेश से आइए, जो अनुभूति यहाँ होती है वो शायद कहीं नहीं होती। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पुजारी माखन गिरी जी हैं, उनसे जानते हैं क्या यहाँ का पौराणिक महत्व है, क्या किंवदंतियाँ हैं, यहाँ को लेके क्या मान्यता है। ये मंदिर पता नहीं, ये पांडवों ने बनाया था कुंती माँ के लिए पूजा करने के लिए, बताते उनको मिला था अज्ञातवास, उनने काटा था भीम बेट का में। तो कुंती माँ शिव जी उपासना से रहती थी, व्रत करती थी, जब तक पूजा नहीं करती थी अपना व्रत नहीं खोलती थी जी। तो पांडवों ने ये मंदिर बनाया था पूजा के करने के लिए कुंती माँ के लिए, बताते एक रात का मंदिर बताते इसको। कम से कम ये शिवलिंग की हाइट है 21.5 फीट का है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं अपने हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड में। वो इसके बाद बताते हैं कि ये नदी है बेतवा, यहाँ इसमें 9 नदी मिलाई थी और 99 नहा लेते हैं। इसका वो जल रोका था, इसका स्टॉप डैम वहाँ बनाया था, इसका बांध बनाया था। उसको जब बांध बनने के बाद फिर कुंती माँ वहाँ से जल लेके आती थी और शिव जी को जल चढ़ाती थी। उनकी गंती है, कहानी है कि पांडव कालीन ये मंदिर है, माँ कुंती के लिए बनाया गया, एक रात्रि में बनाया गया, और एक रात्रि में बनाने के बाद एक ही पत्थर से इसका निर्माण हुआ, ये सबसे बड़ा शिवलिंग है दुनिया का, ये भी मान्यता है। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, भगवान शिव का ये जो रूप है, ये दिव्य रूप बताता है कि उनके दर्शन से किस तरह का सुकून मिलता है, कितना प्रचंड ये रूप है, कितना प्रकष्ट ये रूप है, और कितना प्रकाशवान ये रूप है। और इस रूप की अनुभूति के लिए आपको भोजपुर जरूर आना पड़ेगा। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, आने 24/7 भोजपुर।